एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, आई एम वर्षा। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है कि हम प्लेन सूट को कैसे डिजाइनर सूट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको टाइटल से भी पता चल गया होगा। सो गाइस, आज जो मैंने कपड़ा लिया है वो मैंने ब्लू रॉयल ब्लू कलर का कपड़ा लिया है और ये बिल्कुल सॉफ्ट क्रेप कपड़ा हम कह सकते हैं इसको। तो आज मैं इसको आपको दिखाऊंगी कि कैसे एक डिजाइनर सूट हम प्लेन कपड़े से कैसे डिजाइनर सूट हम बना सकते हैं। सो गाइस, इसकी मैं स्टिचिंग पार्ट दिखाऊंगी। अगर आपको कटिंग पार्ट भी देखना है प्लाजो सूट का, सिंपल प्लाजो और कुर्ती कटिंग, तो मैं उस पर भी वीडियो जरूर बनाऊंगी। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं। तो मैंने जो लेस का इस पर यूज़ किया है, तो मैंने ऑफ वाइट कलर की लेस का यूज़ किया है। जो ये लेस मैंने पहले भी आपको दिखाया है, मेरे जो स्काई ब्लू सूट था, सलवार सूट, उस पर भी मैंने ये लेस यूज़ की थी। तो आप देख सकते हो कि ब्लू सूट पे बहुत प्यारी लग रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इनका कॉम्बो आपको दिखाती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं स्टिचिंग गाइस। सो गाइज, मैं पहले अपने गले को एक एक्स्ट्रा जो अलग से कपड़ा था उसके पहले जॉइंट करूँगी। सूट पे जॉइंट करने से पहले, अगर आपको स्टिचिंग आती होगी तो आपको इस चीज़ का पता भी होगा। तो मैं एक्स्ट्रा कपड़े पे पहले अपने गले को जोड़ लेती हूँ। सो गाइज, अब मैं इसको अपने जो फ्रंट पार्ट था मेरा सूट का, मैं उस पर अपने इस गले को लगा लूँगी, अटैच कर लूँगी। अब मैंने अपने जो नेक को अटैच कर लिया अपने फ्रंट पार्ट पे, तो जो मैं एक्स्ट्रा जो इस पे कपड़ा है, मैं उस एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लूँगी। सो गाइज, मैं यहाँ पे हाफ इंच रख के कटिंग करूँगी। हमें कम ही कपड़ा रख के कटिंग करनी चाहिए, ज़्यादा गैप नहीं रखना चाहिए हमें। सो गाइज, अब मैं ऊपर से इस गले को फिनिशिंग देने के लिए, इसकी शेप को फिनिशिंग देने के लिए एक मशीन लगाऊंगी ऊपर से। ये मशीन हमारी दिखाई नहीं देगी, बिकॉज हम लेस लगाएंगे तो वो छुप जाएगी। सो गाइज, लेस लगाने के लिए हमें नीचे इसका बिल्कुल हाफ हाफ करके बीच में मार्किंग कर लेनी है, क्योंकि जो हम लेस लगाएंगे वो ताकि टेढ़ी ना लगे, वो बिल्कुल सीधी लगे परफेक्ट। सो गाइज, अब हम नेक पे जो लेस है वो लगानी शुरू करेंगे। बड़ी बारीकी से, बड़े ध्यान से शेप को देते हुए, जैसे हमारी नेक की शेप है उसके अकॉर्डिंग ही हम लेस यूज करेंगे। सो गाइज, हमने लेस लगा ली है, तो हम इसके दोनों किनारों पे मशीन लगा देंगे, बिकॉज ये खड़ी खड़ी ना रहे और इससे फिनिशिंग भी अच्छी आएगी। सो गाइस, लेस लग चुकी है और नेक की फिनिशिंग आने के बाद हमारा नेक कुछ इस तरह का लग रहा है। सो गाइस, हम सबसे पहले इन दोनों को जॉइंट कर लेंगे आगे वाले भाग को। सो गाइस, मैं कटिंग के टाइम पे ही अपने कटिंग की मार्किंग कर लेती हूँ, ताकि स्टिच करते टाइम हमें इजी रहे, हमें बार बार मतलब मार्किंग ना करनी पड़े। सो गाइस, जब भी आप अपनी फिटिंग की मार्किंग पे स्टिचिंग करते हो, तभी उसी टाइम मैं तो एक मशीन एक्स्ट्रा लगा लेती हूँ, बिकॉज अगर वॉश करने के बाद सूट श्रिंक होता है, तो हम उसको खोल के सूट को थोड़ा यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस बाउंड्रीज को, सबसे पहले हम अच्छी स्टिचिंग दे के हम इसको स्टिच कर लेंगे, ताकि लेस जो हम Thank you.
सो गाइज इसकी बाउंड्री पे अब हम लेस को लगाएंगे, और सबसे पहले वही करना जो हमने नेक पे किया है कि हमें दोनों बाउंड्रीज पे, लेस की दोनों बाउंड्रीज पे सिलाई लगानी है ताकि लेस की फिनिशिंग अच्छी आए और वॉश करने के बाद वो खड़ी खड़ी या फिर ख़राब ना हो, वो अपनी जगह पे अच्छे से अटैच रहे। मैंने चारों तरफ अपने बाउंड्री पे लेस लगा ली। सो गाइज मैंने सूट के चाक पे, झोली पे, मींस चारों तरफ बाउंड्री पे और नेक पे ये लेस लगा लिया। सो गाइज अब हम अपनी स्लीव्स रेडी करेंगे। स्लीव्स पे भी मैं जितनी भी लेस मेरे पास बची है उसकी जितनी भी एक दो तीन जितनी भी लेयर लग पाएंगी मैं स्लीव्स पे उतनी लेयर लगाऊंगी। आप अगर आपके पास लेस ज़्यादा है तो आप भी उसके अकॉर्डिंग आप स्लीव्स पे लेयर कर सकते हो लेस की। सो गाइज मैं अपनी सेकंड लेयर लगा रही हूँ अपनी स्लीव्स पे। सो गाइज अब हम स्लीव्स की फिटिंग करेंगे। सो गाइज हमने यहाँ पे स्लीव्स रेडी कर लिया है, सिर्फ अब हम स्लीव्स को कुर्ती पे अटैच करेंगे कुर्ती से, और जो फाइनल लुक है हमारी स्लीव्स का वो इस तरह का कुछ आया है। गाइज मैंने ऑफ वाइट लेस का यूज़ किया था इसीलिए मैं दुपट्टा भी ऑफ वाइट ले रही हूँ। मेरे पास ब्लू कलर में ऐसी लेस नहीं थी। अगर आपको जैसे कंट्रास्ट में ब्लू मिल जाए तो आप दुपट्टे पे ब्लू लगा सकते हो, वो भी बहुत अच्छी लगेगी, बट मेरे पास यहाँ पे ब्लू अवेलेबल नहीं थी तो मैंने ऑफ वाइट ही लगाई है बिकॉज मेरा ये दुपट्टा ताकि दूसरे सूट पर भी चल जाए। अगर मैं ब्लू यूज़ करती तो मैं सिर्फ इसी सूट पर दुपट्टे को कैरी कर सकती। सो गाइज अब देखते हैं कि फाइनल लुक कैसा आया सूट का।
सो गाइज आप देख सकते हो कि प्लेन कपड़े से मैंने कैसे डिजाइनर सूट रेडी किया है, और आजकल ये सूट काफ़ी ट्रेंड में है। हम इनको पाकिस्तानी सूट भी बोल सकते हैं, आजकल पाकिस्तानी सूट काफ़ी ट्रेंड में है, और ये बहुत इजी है और बजट में है। बिल्कुल प्लेन सूट पे सिर्फ हमने एक लेस का यूज़ करा जो आपको मार्केट में ईजिली मिल जाएगी, आप कहीं से भी परचेज कर सकते हो। सो गाइस ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर किसी भी चीज़ के लिए आपको कोई क्वेरी है, आपको कुछ भी पूछना है तो प्लीज़ आप मुझे DM कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है बस।